इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दादी धूम मचा रही हैं। दरअसल ये दादी महात्मा गांधी और राजीव गांधी की जीवन गाथा को इंग्लिश में ऐसे बयां कर रही हैं कि हजारों लोग इस दादी के दीवाने हो रहे हैं। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दादी की अंग्रेजी सुन हैरान रह जाएंगे। देसी दादी की फर्राटेदार अंग्रेजी। He used to wear khadar. Gandhi was dead on 20 January 1948. His samadhi at Rajghat. Desi dadi ki angrezi ke diwane hue log. My name is Bhagwani Devi. Back English have the party which won freedom. Ye nahi dekha to kuch nahi dekha. Must continue to work for the labor against of non-violence within the country. लाल चुनरी और सफेद कमीज पहने इस दादी का अंदाज दिखने में भले ही गांव का नजर आ रहा हो, मगर दादी का ज्ञान, उनके बोलने का तौर तरीका, उनकी इंग्लिश, उनकी छवि से बिल्कुल जुदा है। दादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। यूजर्स उनकी अंग्रेजी की तारीफ कर रहे हैं। इंग्लिश बोलती नजर आ रही दादी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रही हैं। अब आपको वीडियो की हकीकत बताते हैं। दरअसल 1 मार्च को आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दादी का ये वीडियो अपलोड किया था। वीडियो अपलोड करते वक्त उन्होंने लिखा कि इंग्लिश बोलने के लिए दादी को कितने नंबर मिलेंगे। बोथरा ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें दादी महात्मा गांधी पर बोलती नजर आ रही है। महात्मा गांधी was one of the greatest men of the world. He was born on October 1923 at Porbandar. He belonged to a very noble family. He was very simple man. He had simple food and drink goat's milk. He loved both Hindus and Muslims. He was the father of the nation and patriot. He was the lover of non-violence. He used to wear khadar. Gandhi was dead on 10 January 1948. His samadhi at Rajghat in Delhi. He is no more with you. He is dead. वीडियो अपलोड होने के बाद देखते ही देखते दादी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर कोई उनकी अंग्रेजी की तारीफ करने लगा। यहाँ तक कि कोई यूजर्स तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर से दादी का मुकाबला करने लगा। वीडियो में दादी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी बोलती नजर आई। And in the international community, the work of and private the quality of life of our people. दादी के पहनाव से लगता है कि वो हरियाणा के किसी गांव की रहने वाली है। उनका ये अंदाज हर किसी को भा रहा है। This is our agenda for the next country. How muscular body में ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।